हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं कोई ब्यूटी ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। हाउ टू डू मेकअप आज मैं ये भी नहीं बोलूंगी। आज मैं जो लेके आई हूँ वो आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैं आज कोरोना वायरस के कुछ प्रिकॉशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस के बारे में बोल रहे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं भी लेके आई हूँ कुछ टिप्स जो आप फॉलो करके कुछ हद तक इस कोरोना वायरस को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले जो एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी वो है, अगर आप घर में हैं या घर के बाहर जा रहे हैं तो घंटे में एटलीस्ट वन टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइजर से या लिक्विड सोप या साबुन से। और जो सैनिटाइजर या साबुन आप यूज कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 70% अल्कोहल होना जरूरी है। जब आप अपने हाथ को साफ कर रहे हैं तो अप टू एल्बो आप अपने हाथ को साफ कीजिए। अगर आप घर के बाहर से कुछ ला रहे हैं, जैसे कि ग्लोसरी, क्लोथ्स, ये सब इमरजेंसी चीजें हैं, अगर आप ये घर के बाहर से घर के अंदर ला रहे हैं तो अपने हाथ को उसको लाने के बाद धो लीजिए, और जिस बैग में आप उसको ला रहे हैं उसको भी सैनिटाइज कर लीजिए। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आपका कुछ पार्सल डिलीवर होता है तो उस पार्सल को आप रिसीव कीजिए, पर अपने हाथ में ग्लव्स पहन के रिसीव कीजिए और बाद में वो ग्लव्स को धो दीजिए। जिस पैकेट में आपका पार्सल आया है उस पैकेट को बाहर ही काट के फेंक दीजिए और अपने चीजों को रिसीव कीजिए। अगर बाहर से कोई गेस्ट आपके घर में आते हैं या आपके मेट घर में आते हैं तो उनके हाथ को पहले सैनिटाइज करने के लिए कहिए, हाथ और पैर को ठीक तरह से धो के फिर आपके घर में बैठने के लिए बोलिए। अगर आप बाहर से वेजिटेबल्स घर में ला रहे हैं तो कुक करने से पहले उसको अच्छी तरह से बॉइल वाटर से धो ले, फिर उसको पकाए। टीवी रिमोट, कंप्यूटर के कीबोर्ड्स या लैपटॉप के कीबोर्ड्स और मोबाइल के स्क्रीन को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए। अभी इसको कैसे आप सैनिटाइज करेंगे, पानी में तो नहीं डुबो सकते इसको, आप एक कॉटन बॉल में सैनिटाइजर लेके या स्प्रिट लेके उसको वॉश कर सकते हैं। अगर जरूरत ना पड़े, इमरजेंसी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज मत कीजिए। कुछ दिन तक आप ऐसे खाना खाएं जिसमें प्रोटीन का लेवल हाई हो, इससे आपके बॉडी के इम्यूनिटी पावर बढ़ते हैं और वायरस अटैक होने के चांसेस भी घट जाते हैं। अगर आप रेगुलरली कोई कोचिंग सेंटर में जाते हैं, जिम सेंटर में जाते हैं या ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास में जाते हैं तो कुछ दिन के लिए ये सब बंद रखिए और अपने आप को घर के अंदर ही रखिए। जो लोग स्विमिंग करने जाते हैं उन लोगों से मेरा एडवाइस है कि कुछ दिनों के लिए स्विमिंग पूल में ना जाए। और जो लोग गांव में रहते हैं, पॉन्ड में जाने का उन लोगों का एक हैबिट है, तो मैं ये बताऊंगी कि आप वहां पे ना जाए, कुछ दिनों तक अपने घर में ही सुरक्षित रहे। जिन लोगों के एज अबाव 50 है उन लोगों से मेरा विनती है कि कुछ दिन के लिए वो लोग घर से बाहर ना जाए। और जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके घर में ऐसे कोई है जिनका एज अबाव 50 है, आप उनसे मना कीजिए कि आप घर के बाहर ना जाए। अगर जरूरत के लिए आपको बाहर जाना पड़ भी रहा है तो आप बाहर जाके अपने आंखों में, नाक में या मुंह में हाथ मत दीजिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घर आ रहे हैं तो घर आने के बाद अपने कपड़ों को एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश कर लीजिए। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं डेटॉल, सेवलॉन और बहुत सारा एंटीसेप्टिक लिक्विड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं जो बताऊंगी, अगर आपको सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए सबसे पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को इतना स्प्रेड कीजिए कि सबको पता चले क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों को लेनी चाहिए। आई होप अगर हम ये सब फॉलो करेंगे तो कुछ दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम भी अंडर कंट्रोल हो जाएगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस, फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय एंड टेक केयर।